हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल शाहान आर्ट्स। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आज आपको दिखाऊंगा कि आप हेयर्स को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, रियलिस्टिक हेयर्स। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा। रिसेंटली मैंने एक ड्राइंग ड्रा की थी विराट कोहली की, तो मुझे एक फ्रेंड ने कहा था कि आपने इसके हेयर्स को किस तरह से ड्रॉ किया कि हेयर पर भी आप एक वीडियो बनाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज हेयर पर एक वीडियो बनाऊं। तो ये वीडियो बेसिकली हेयर्स के बारे में है, आप एंड तक देखिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको टूल्स के बारे में बताता चलूं कि कौन कौन से टूल्स हम यूज करेंगे आज की ड्राइंग बनाने में। तो मेरे पास यहाँ पर कुछ ग्रेड्स पेंसिल है फैब्रिकेशन की, ग्रेफाइट, जिसको मैं यूज करूंगा हेयर्स ड्रॉ करने के लिए। मेरे पास बी पेंसिल है, 5B पेंसिल है और 8B पेंसिल है, जो कि सबसे डार्केस्ट होती है। इसके अलावा ब्लेंडिंग के लिए मेरे पास कुछ ब्रशेस मौजूद है। ये जो दो ब्रशेस है ये कीप स्माइलिंग की है और ये एक ब्रश ओश कंपनी के है, जिसको मैं यूज करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए। आप जब भी हेयर्स को ड्रॉ करते हैं, तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप ज़्यादातर प्रैक्टिस ग्रेफाइट पेंसिल के ज़रिए से करें, और तो हम ज़्यादातर जितने भी हेयर होते हैं वो हम चारकोल पेंसिल के ज़रिए से ड्रॉ करते हैं। अब चलते हैं आउटलाइंस की तरफ। सो आउटलाइंस बनाने के लिए मैं सबसे जो लाइटेस्ट पेंसिल होगा बी पेंसिल, उसका मैं यूज़ करूँगा और अच्छी तरह से आउटलाइंस बनाऊँगा। मैं फोटोग्राफ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि किस तरह किस डायरेक्शन में गए हैं हमारे हेयर्स, हमारे स्ट्रोक्स। तो जिन ही डायरेक्शन और समत में हमारे हेयर्स गए होंगे, तो इसी तरह ही मैं एक मैप ड्रॉ करूँगा, जिसको ड्राइंग की फील्ड में आउटलाइंस कहते हैं। तो आउटलाइंस के लिए मैं लाइट पेंसिल का यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये बस सिंपली मैप होता है कि यहाँ पर हमारे पास हेयर्स आएंगे, बियर्ड आएंगी और मॉस टिश्यूज। तो मैं फोटोग्राफ को देख रहा हूँ जो कि मैंने पून में सेव की है, और उसके मुताबिक मैं मॉस्टेचस को ड्रा कर रहा हूँ कि मॉस्टेचस हमारे पास कहाँ पर ख़त्म होंगे, कहाँ पर शुरू, और स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ पेंसिल के। आउटलाइन जो होता है ये ड्राइंग में फर्स्ट स्टेप होता है। आप जब भी कोई ड्राइंग ड्रा करते हो ना, तो आपको लाइट पेंसिल का यूज़ करना होगा, यानी कि ये अच्छी तरह से दिख भी नहीं पाता। अब आप इसको देख लिए, आपको दिख भी नहीं पाएगा, लेकिन मैं सिर्फ डायरेक्शन को मैंशन कर रहा हूँ यहाँ पर कि किस डायरेक्शन में गए हैं। तो जिस डायरेक्शन में भी हमारे स्ट्रोक्स गए हैं, हमारे हेयर्स गए हैं, तो उसी डायरेक्शन में मैं पेंसिल स्ट्रोक्स लगाऊंगा, पेंसिल की लकीरें लगाऊंगा, लाइंस लगाऊंगा। जो मैं पेंसिल का यूज कर रहा हूं, तो ये अभी लाइट पेंसिल है, बी ग्रेड की, फैब्रिकेशन की, और जिस ही डायरेक्शन में हमारे जो हेयर्स है वो गए होंगे, तो उसी डायरेक्शन में ही मैं स्ट्रोक्स लगाऊंगा। ये रूल्स है हेयर ड्रॉ करने का, यानी कि इंसानों के हेयर जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, कर्ली भी होते हैं, स्ट्रेट भी होते हैं, लेकिन आपको फिर फोटोग्राफ को ऑब्जर्व करना होगा। सबसे पहले आपको लाइट पेंसिल का यूज़ करना होगा, फिर उसके बाद आपको थोड़ा डार्कर लेयर चढ़ाना पड़ेगा इसके ऊपर, और थोड़ी डार्कनेस जो है आपको ऐड करनी पड़ेगी। जिस तरह के मैं यहाँ पर जो है, सबसे पहले मैंने बी पेंसिल का यूज़ किया, और अब जो है मैं 5B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ पेंसिल के। तो इस तरह से, यानी कि जिस डायरेक्शन में भी गए हैं, बस सिंपली आपको लाइंस लगानी है, लकीरें लगानी है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, और फिर उसके बाद आपको इसकी ब्लेंडिंग करनी है। सबसे पहले हमने बी पेंसिल का यूज़ किया, फिर हम थोड़ा थोड़ा सा जो है डार्कनेस की तरफ जाएंगे, फिर मैंने 5B पेंसिल का यूज़ किया, और अब जो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास 8B पेंसिल है, यानी कि 8B सबसे डार्केस्ट होती है। तो अब मैं सबसे डार्केस्ट लेयर को अब चढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर, और जो डार्कनेस है उसको ऐड कर रहा हूँ, तो मैं 8B पेंसिल का यूज़ करूँगा। गाइज, मैं बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ताकि तकरीबन 1K व्यूज़ आ जाए इस पर। अब जो है मेरे लेफ्ट साइड पर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं कि किस तरह हमारे डायरेक्शन में जो हेयर्स गए थे, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में मैंने पेंसिल के स्ट्रोक्स लगाए हैं, लाइंस लगाए हैं।
अब इसका जो राइट साइड है ना, तो मैं फोटोग्राफ ऑब्जर्व कर रहा हूँ और इसका राइट साइड का जो हेयर है वो ड्रा कर रहा हूँ। सबसे पहले बी पेंसिल, फिर 5B और लास्ट में मैं 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आपको इस तरह लाइट टू डार्क जाना पड़ेगा आप जब ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, यानी कि चारकोल से या ग्रेफाइट से। तो अब मैं बियर्ड की तरफ आता हूँ कि बियर्ड को आपने किस तरह से ड्रा करना है। तो बियर्ड भी बिल्कुल ही सिंपल है, अकॉर्डिंग टू योर फोटोग्राफ स्ट्रोक्स लगाओ, ब्लेंड करो, थोड़ी डार्कनेस ऐड करो, यानी कि 8B पेंसिल का यूज़ करो, तो आपका जो रियलिस्टिक बियर्ड होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले जो हमारी लेयर थी वो जो थी इतनी डार्क नहीं थी, बहुत ही लाइट थी, लेकिन आखिर में जो हमने फिर इसके ऊपर लेयर चढ़ाए तो वो बहुत ही डार्क थी। तो फिर लास्ट में हम अब 8B पेंसिल का भी यूज़ करेंगे ताकि हमारे जितना भी बियर्ड है ना, हम उसको बहुत ही, यानी कि वन हेयर जो है, वन बाई वन हेयर है, उसको हम दिखाएं। तो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ 8B पेंसिल जो कि सबसे डार्केस्ट है। फेबर कैस्टल 9000 सीरीज ग्रेफाइट पेंसिल में सबसे जो डार्केस्ट पेंसिल है 8B, उस पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ मैं। और जो भी हेयर सबसे डार्केस्ट होगा, जिस भी पोर्शन के हेयर्स, तो उसको अब मैं ड्रा कर रहा हूँ। आप जब सबसे डार्केस्ट पोर्शन ड्रा करते हैं ना गाइस, तो आपको अपने जो प्रेशर है ना पेंसिल पर, दबाव, वो आपको बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा पेपर पर। तो इसके ज़रिए से जो है रिज़ल्ट जो आपका आएगा वो बहुत ही रियलिस्टिक आएगा। तो आप इसको देख लें कि इसमें जो भी जगह, जो भी पोर्शन जो है वो डार्केस्ट है, तो मैं वहाँ पर थोड़ा प्रेशर जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा रहा हूँ ताकि डिफरेंट ज़ाहिर हो। जो हेयर हमारे पास लाइट है, जो हमारे पास डार्क है, लाइट और डार्क एरियाज की बदौलत से ही हमारा जो ड्राइंग आता है वो रियलिस्टिक आता है। यानी कि अगर आप इसमें लाइट नहीं ड्रॉ करेंगे, हाईलाइट ड्रॉ नहीं करेंगे, और जितने भी लाइट पोर्शंस होते हैं, डार्क पोर्शन होते हैं, वो अगर आप ड्रा नहीं करेंगे, तो आपका जो पोर्ट्रेट होगा वो बस स्केच ही रहेगा। यानी कि उसमें पेंसिल स्ट्रोक्स दिखाई देंगे, कोई आपकी ड्राइंग की भी सिफत नहीं करेगा। लेकिन जब आप लेयर बाई लेयर काम करते हैं, सबसे पहले 2B पेंसिल यूज़ करते हैं, फिर 4B, 5B और लास्ट में 8B की तरफ आते हैं, तो आपका जो ड्राइंग होगा बहुत ही रियलिस्टिक होगा। जिसके आप इस बियर्ड को देख सकते हैं, हेयर्स को देख सकते हैं कि कितने ही इजे थे। मैंने आपको सारा मेथड समझा दिया है अच्छी तरह से, तो आप मेरे जो मेथड था उसको फॉलो करें। बहुत ही सिंपल जो आज की हमारी ये ट्यूटोरियल और ड्राइंग थी बियर्ड की भी और मोस्टिट्यूज की भी, कि कितने ही रियलिस्टिक आ गए, और दो तीन स्टेप्स थे हमारे पास। सबसे पहले जो था, हमने ऑब्जर्व किया अच्छी तरह से अपने फोटोग्राफ को। मेरे पास लेफ्ट साइड पर फोटोग्राफ था, तो जिस डायरेक्शन में हमारे हेयर्स गए थे उसी डायरेक्शन में मैंने स्ट्रोक्स लगाए, फिर मैंने इसकी ब्लेंडिंग की ब्रश के जरिए, और आखिर में 8B पेंसिल का यूज़ किया जो कि सबसे डार्केस्ट है। तो जो रिजल्ट आया वो आपके आंखों के सामने है कि कितना ही रियलिस्टिक हमारा आज का ये ड्राइंग आया है। तो कैसा है हमारा ये ड्राइंग, कमेंट बॉक्स में हमें आप ज़रूर बताएं। तो आप देख सकते हैं कि कितना ही रियलिस्टिक हमारा रिजल्ट आया है। मैं आपको कुछ और भी ड्राइंग्स दिखाता हूँ कि इसी मेथड का यूज़ किया था मैंने इस ड्राइंग को बनाने में। आप अब इसकी हेयर को देख लीजिए, मैंने बेसिकली चारकोल पेंसिल से ड्रा की थी जो कि सबसे डार्केस्ट है। लेकिन सिर्फ आप डायरेक्शन को देखें कि किस डायरेक्शन में हमारे हेयर जो थे, किस सिमत में हमारे हेयर्स गए थे, तो उसी सिमत में मैंने उसको किया था। अब ये जो ड्राइंग है ये केरी मिनाटी की है, मैंने इसकी फुल वीडियो भी अपलोड की है मेरे चैनल पर, आप ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने ये बनाई थी, तो मैंने अच्छी तरह से टैबलेट में जो मेरा फोटोग्राफ था उसको ऑब्जर्व किया और उसके मुताबिक डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाए। ये जस्टिन बीबर की ड्राइंग है, मैंने अभी अपलोड नहीं की है, तो इसकी हेयर की भी डायरेक्शन आप देख लें कि किस किस डायरेक्शन में हमारे जो हेयर्स थे वो गए हैं। कुछ जो थे राइट की तरफ गए हैं, कुछ लेफ्ट की तरफ, कुछ पोर्शन जो है इसमें ब्लरी भी है, लेकिन आप सिर्फ डायरेक्शन को देख ले। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। इसके नीचे भी एक ड्राइंग है बेबी की, तो इसके जो हेयर्स थे ना गाइस, इस पर बहुत ज़्यादा वक्त लगा था मेरा, क्योंकि इसमें हर एक जो हेयर था तो वो अलग अलग डायरेक्शन में था। आप अब फोटोग्राफ में देख सकते हैं वीडियो में हेयर्स को आप देख के कि कितनी अच्छी तरह से आ गए हैं इस ड्राइंग की। तो गाइस ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल।
तो गाइस कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।